ग्रह नक्षत्र तारे और सितारे बदलते हैं अपनी चाल और आपके आचार्य बताते हैं आपकी राशियों का हाल। मित्रों सादर जय श्री कृष्ण, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको बताने जा रहे हैं दैनिक राशिफल। यह राशिफल है 18 दिसंबर 2019 बुधवार का दिन है। पोष माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि है। पूर्वा फाल्गुनी नामक नक्षत्र सिंह राशि में चंद्रमा विद्यमान रहेंगे। दिशाशूल की अगर हम बात करें तो उत्तर दिशा में रहेंगे, इसलिए उत्तर दिशा की यात्रा करना नुकसानदायी माना जाएगा। यदि किसी कारणवश उत्तर दिशा की यात्रा करना बहुत ज्यादा आवश्यक हो तो धनिया खा करके यात्रा शुरू कर सकते हैं। राहु काल जो कि दोपहर 12 बजे से लेकर के 1:30 तक रहेगा, इस दौरान किसी भी प्रकार का शुभ मांगलिक या नया कार्य आपको नहीं करना चाहिए। दैनिक ग्रह गोचर की यदि हम बात करें तो ग्रहों के राजा सूर्यदेव धनु राशि में, चंद्रमा जो कि सिंह राशि में, मंगल ग्रह तुला राशि में, बुध वृश्चिक राशि में, देवगुरु बृहस्पति धनु राशि में, शुक्र मकर राशि में, शनि धनु राशि में, राहु मिथुन तथा केतु धनु राशि में रहेंगे। इस दैनिक ग्रह गोचर के अनुसार वृषभ सिंह तुला मकर और मीन ये 5 राशियां महाभाग्यशाली रहने वाली है। इनके लिए दिन सबसे खास रहेगा। कार्यक्षेत्र में एक नई ऊंचाई इनको प्राप्त होगी या धन लाभ भी इनको प्राप्त होगा। साथ ही इनको पदोन्नति के अवसर भी मिलेंगे। परिवार में खुशियों के संकेत प्राप्त होने वाले हैं। कुछ मांगलिक कार्यक्रम की योजना आप बना सकते हैं या ऑफिस में कोई नए काम की योजना भी आप बना सकते हैं। अब हम आपको मेष से लेकर के मीन सभी 12 राशि वालों का दैनिक राशिफल बताने जा रहे हैं। साथ ही ये भी बताएंगे कि 12 राशि वालों को क्या उपाय करना है एवं भाग्यशाली अंक इनके क्या रहने वाले हैं। तो हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। दिन आराम से व्यतीत होगा, कोई खास काम या चुनौती नहीं होगी। काम के सिलसिले में कहीं जाना पड़ सकता है, मेहनत भरा दिन रहेगा। जितना हो सके पॉजिटिव रहे, आप उन चीजों को लक्ष्य बनाए बैठे हैं जो अव्यावहारिक है, इसलिए व्यावहारिक चीजों को ही अपने लक्ष्य बनाएं। कई स्थितियों में आप नेतृत्वकारी भूमिका में हो सकते हैं, कुछ खास फैसले आपको करने पड़ेंगे। सोच विचार के लिए समय जरूर निकाले। आज आप लोगों की भलाई के लिए कोई काम करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको ही बड़ा फायदा होगा। ऑफिस में साथ काम करने वालों से बहस या मतभेद आपके हो सकते हैं। वाहन का प्रयोग सावधानी पूर्वक करें और कार्यक्षेत्र में आप कोई भी नया या बड़ा निर्णय करने से पहले थोड़ा सोचे समझे शांतिपूर्वक काम करें। उपाय के रूप में कच्चा दूध यदि आप किसी भी गरीब व्यक्ति को दान करेंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 9 होगा। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि की। आप जो भी पहल करेंगे, जो नया कदम उठाएंगे, समय आने पर उसके अच्छे नतीजे भी आपको मिलेंगे। आपके लिए यही बेहतर रहेगा कि सोचे हुए कामों को करते जाएं, अपने महत्वपूर्ण कामों की सूची बनाएं और उन पर ध्यान दें। खुद को किसी से कम न समझें। जो आप सोचेंगे वह आसानी से करेंगे। ज़्यादातर महत्वपूर्ण मामले आपके टल सकते हैं, लेकिन उससे आपको ही फायदा होगा। घर के बाहर के मामलों में आपकी महत्वाकांक्षाएँ प्रबल रहेगी, आपका आत्मविश्वास बढ़ा हुआ रहेगा। पैसों के मामलों में आप बहुत उदार रहेंगे। वाहन खरीदने का विचार आप बना सकते हैं। सेहत आपकी अच्छी रहेगी। कठिन परिस्थितियों का सामना करने में भी आप सफल हो जाएंगे। और उपाय के रूप में यदि आप गेहूं के आटे का दान किसी भी मंदिर में करेंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 6 होगा। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि की। आप फटाफट अपने काम निपटाना चाहेंगे। कोई नई जिम्मेदारी आपको मिल सकती है। परिवार और पैसों के मामलों में आप व्यस्त रहेंगे। धन लाभ का योग है, सिर्फ अपने मन पर भरोसा रखें। किसी रिश्तेदार के स्वभाव या व्यवहार के बारे में आपको कुछ बातें समझ में आ जाएगी। दूसरों की बातें सुनने और समझने में सावधान रहे। सकारात्मक मन रखने की कोशिश करें। मेहनत और यात्रा आपको करनी पड़ेगी। धैर्य के साथ आपको काम करना चाहिए। दूसरों की सलाह अधिक गंभीरता से न ले। ज्यादा ही बेचैनी का भाव आपको परेशान कर सकता है। बेतुकी चिंता के कारण आपका मूड खराब हो सकता है। लक्ष्य से आप भटक भी सकते हैं, इसलिए जल्दबाजी न करें। शांति और धैर्य से किया गया काम आपको सफलता देने वाला सिद्ध होगा। और उपाय के रूप में बेसन से बनी मिठाई यदि आप किसी भी गरीब व्यक्ति को दान करेंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा और आपका भाग्यशाली अंक जो कि 3 होगा। अब हम बात करते हैं कर्क राशि की। कोई काम पूरी तरह नए सिरे से करने का मन आप बना सकते हैं।
पैसों के कुछ मामलों पर आपको विवाद हो सकता है, इसलिए विवाद से आपको बचना चाहिए। किसी खास मामले में पार्टनर की मदद अवश्य ले। पार्टनर के किसी आइडिया से आपका सोचा हुआ काम पूरा हो जाएगा, आपकी इनकम सामान्य रहेगी, मकान और भूमि संबंधी कार्य आपके पूरे हो जाएंगे, कोर्ट संबंधी मामलों में सफलता प्राप्त होगी, नौकरी धंधे में कुछ परेशानियां उत्पन्न हो सकती है। पुरानी बातों की चिंताओं को ज्यादा महत्व न दे। यात्रा का कार्यक्रम बन सकता है या रुकावट आ सकती है। आज आप ज्यादातर फैसले गुस्से में आकर ले सकते हैं, इससे आपको ही नुकसान होगा। दोस्तों, प्रेमीजनों, रिश्तेदारों के साथ कुछ अनबन हो सकती है। खुद तय नहीं कर पाएंगे कि क्या करें और क्या न करें। खुद को अकेला और थका हुआ आप महसूस कर सकते हैं। उपाय के रूप में शुद्धि का दीपक यदि आप देवी जी के मंदिर में लगाएंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा और आपका भाग्यशाली अंक जो कि 1 होगा। अब हम बात करते हैं सिंह राशि की। अपने काम पूरा करने में आप पूरा ध्यान रखें। कोई काम जो किसी कारण से रुका हुआ है वो पूरा हो जाएगा। आपकी आर्थिक स्थिति आपके घर या परिवार के साथ जुड़ी हुई है तो आप सोचे हुए ढंग से उसको पूर्ण कर लेंगे। थोड़ा धैर्य आपको रखना चाहिए, चिंता ना करें। समय आने पर फिर सब कुछ सामान्य हो जाएगा। किसी ऐसे व्यक्ति से आपकी बातचीत होगी जो आपकी परेशानियां कम कर देगा। कामकाज को लेकर के भाग दौड़ हो सकती है, जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। और उपाय के रूप में एक लाल फल यदि आप हनुमान जी के मंदिर में चढ़ाएंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा और आपका भाग्यशाली अंक जो कि 5 होगा। अब हम बात करते हैं कन्या राशि की। कोई भी काम आप धैर्य और मन से करें। मन की चिंता के बारे में किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात आपकी होगी। आपको हर तरफ से सपोर्ट मिलेगा। जो काम आपको कठिन या असंभव लग रहा है उसमें आप हिचकिचा जाएंगे और उसमें करने में थोड़ा संकोच करेंगे। और कार्यक्षेत्र में कोई रहस्यमयी बात आपको पता चलने वाली है, कोई राज की बात भी आप पता लगा लेंगे। और उपाय के रूप में यदि आप भगवान शंकर जी के मंदिर में दूध से बनी मिठाई यदि चढ़ाएंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा और आपका भाग्यशाली अंक जो कि 7 होगा। अब हम बात करते हैं तुला राशि की। आज बनाई गई योजनाएं आपके लिए आने वाले दिनों में फायदा देने वाली साबित होगी। कुछ समय बाद बदली हुई परिस्थितियों में सुधार आपको करना होगा। पढ़ाई में मन आपका थोड़ा कम लगेगा। अनजान लोगों के साथ बातचीत होगी। आपको बिजनेस के कुछ नए अवसर भी मिलेंगे। कोई व्यक्ति आपको राज की बात बता सकते हैं, जैसे आपके मन का पुराना बोझ हल्का हो जाएगा। कोई अच्छी खबर आपको मिलेगी, विवाह का प्रस्ताव भी मिलेगा। कामकाज में आप सफल हो जाएंगे। नया वाहन या नई वस्तु खरीदने का आप विचार बना सकते हैं। उपाय के रूप में पश्चिम दिशा में सरसों के तेल का दीपक लगाना आपके लिए शुभ फलदायी सिद्ध होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 2 होगा। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। आपको कामकाज में आनंद आएगा और जरूरी काम आसानी से निपट जाएंगे। मेहनत से प्रसन्नता मिलेगी। दिन भर उत्साह और आत्मविश्वास बना रहेगा। आपके मन में शांति होने के कारण ज्यादातर परेशानियां अपने आप समाप्त हो जाएगी। दिन अच्छा है। भावनाओं और उद्देश्यों को लेकर आप बहुत उत्सुक रहेंगे। लोगों के साथ संपर्क और चर्चा होगी। आपकी हर कोशिश सफल हो जाएगी और काम भी पूरे हो जाएंगे। साथ के कुछ लोगों से लगातार मदद आपको प्राप्त होती रहेगी। परिवार और दोस्तों की परेशानियां आपके सहयोग से समाप्त हो जाएगी। उपाय के रूप में बहते हुए पानी में यदि आप चावल डालेंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 4 होगा। अब हम बात करते हैं धनु राशि की। खुद को संभाल ले, आपके साथ बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा। नौकरी, बिजनेस या किसी आदत में कोई बदलाव हो सकता है। कोई भी फैसला करने के पहले किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह अवश्य करें। दूसरों की मदद करने का कोई मौका न चुके। सफलता और धन लाभ, कुछ छुपे हुए मौके आपको मिल सकते हैं। अधिकारी या बड़े लोगों से खास मामलों पर चर्चा होगी। सोचे हुए काम पूरे हो जाएंगे। लोगों की मदद न मिले तो उदास न हो, जल्दबाजी न करें। और उपाय के रूप में गुड़ खाकर के घर से निकलना आपके लिए शुभ फलदायी सिद्ध होगा और आपका भाग्यशाली अंक जो कि 8 होगा। अब हम बात करते हैं मकर राशि की। किसी खास योग्यता के कारण आपका सम्मान होगा। नए विचारों और तरीकों से काम आप कर सकते हैं, इससे आपको फायदा होगा। सोचे हुए काम करने में सफलता मिलेगी। अच्छे दोस्तों के साथ समय व्यतीत होगा। आपके लिए दिन अच्छा है। कामकाज के लिए बहुत ऊर्जा रहेगी। मानसिक तौर पर आप बहुत सक्रिय रहेंगे। आपके चेहरे और मन में एक चमक बनी रहेगी। आप किसी भी बाहरी चीज पर भरोसा करने के बजाय खुद पर भरोसा करें। जितना चुपचाप और शांत रहेंगे उतना ही आपको फायदा होगा। और उपाय के रूप में शुद्ध घी का दीपक अपने घर के मंदिर में लगाना आपके लिए शुभ फलदायी सिद्ध होगा और आपका भाग्यशाली अंक जो कि 6 होगा।
अब हम बात करते हैं कुंभ राशि की। ज्यादातर कामों में सफलता मिलेगी, मेहनत कम होगी, कुछ मामलों में किस्मत का साथ थोड़ा कम मिलेगा। कामकाज में सफलता के लिहाज से बहुत अच्छा दिन है। आपको कोई गलती या गलत फहमी का एहसास हो जाएगा, उससे सबक लेने के बारे में आपको विचार करना चाहिए, खुद पर ज्यादा ध्यान दे। नौकरी धंधे के लिहाज से दिन चुनौतीपूर्ण रहेगा, लेकिन फायदा आपको ही होगा। आपके मन में किसी के लिए कोई बात या कंफ्यूजन यदि है तो उसको दूर करने का प्रयास करें। आप अपने मन की बात बहुत अच्छे से बता पाएंगे। संतान पक्ष से शुभ समाचार आपको प्राप्त होगा और उपाय के रूप में भैरव जी के मंदिर में जाकर के लाल रंग की मिठाई चढ़ाना आपके लिए शुभ फलदायी सिद्ध होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 2 होगा। अब हम बात करते हैं मीन राशि की। कोई व्यक्ति आपकी मदद कर सकता है, समय के साथ चले। जो काम आप करना चाहते हैं या जो आपकी योजना है उसके बारे में आपको जल्द ही कोई अच्छी खबर मिल सकती है। छोटी मोटी परेशानियां अपने आप सुलझ जाएगी। किसी विषय में हैरानी या परेशानी आप महसूस करते हैं तो थोड़ा धैर्य रखें। आज बहुत से मामले आपके फेवर में रहेंगे। किसी उलझन भरी स्थिति में कोई समाधान परिवार के किसी सदस्य के जरिए आपको मिल जाएगा। कोई नया काम हाथ में लेने के पहले विचार अवश्य करें। आप अपनी बात साफ साफ बताएं। तनावपूर्ण मौके पर संतुलन बैठाने में आप सफल हो जाएंगे। आपकी प्लानिंग आपकी सक्सेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। रोजमर्रा के काम जल्द ही आपको निपटाने होंगे और उपाय के रूप में पीपल के पेड़ के नीचे यदि आप कच्चा दूध और जल मिलाकर के चढ़ाते हैं तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 4 होगा। तो मित्रों, यह 12 राशि का दैनिक राशिफल और उनको करने वाले उपाय तथा भाग्यशाली अंक हमने आपको बताए हैं। हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।